वेलकम टू कार्ड अकेडमी। हमें कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने पूछा है कि बिगिनर्स के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स की जो स्टूडेंट्स या फिर बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। इससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करती हूँ। जनरली बैंक्स स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड देने से कतराते हैं, क्योंकि ना तो उनकी कोई इनकम होती है और ना ही उनका क्रेडिट स्कोर होता है। इस केस में स्टूडेंट्स या फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स यूजुअली सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेते हैं जो FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट दिया जाता है। मतलब आप पहले कुछ फंड्स डिपॉजिट करते हो और उसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स का एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में आपको क्रेडिट स्कोर मतलब आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं होता, क्योंकि ये कार्ड प्राइमरी कार्ड होल्डर्स के नाम पे होता है। अगर आप एक न्यू यूजर हैं या स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि चाहे आप जो भी क्रेडिट कार्ड चूज करें, हमेशा अपने ड्यूज टाइम पर क्लियर करें। ये जरूरी है, क्योंकि ये सब आपके क्रेडिट स्कोर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अपने लिए क्रेडिट कार्ड चुनते वक्त उसके फीचर्स जरूर देखने चाहिए, जैसे कि ज्वाइनिंग फीस, लाइफ स्टाइल बेनिफिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने गोल्स एंड अपने खर्चे। अब बात करते हैं उन क्रेडिट कार्ड्स की जो स्पेशली स्टूडेंट्स और फर्स्ट टाइम कार्ड होल्डर्स के लिए बेस्ट हैं। ऑल्सो हम किसी भी क्रेडिट कार्ड को डीपली रिव्यू नहीं करेंगे। अगर इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको अच्छा लगा हो, तो उसका डिटेल्ड रिव्यू आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ऑल्सो इफ किसी क्रेडिट कार्ड का डिटेल्ड रिव्यू ओल्ड हो चुका है एंड आप चाहते हैं कि हम दोबारा उस पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, LTF क्रेडिट कार्ड्स एंड पेड क्रेडिट कार्ड्स। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं ऐसे क्रेडिट कार्ड्स से जो आप FD के अगेंस्ट ले सकते हैं। इन कार्ड्स के लिए आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और ऐप पे ही फिक्स डिपॉजिट करके तुरंत कार्ड ले सकते हैं। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको हाथों हाथ मिल जाता है और फिजिकल कार्ड आपको विद इन अ वीक मिल जाता है। तो चलो बात करते हैं इन सबसे बेसिक क्रेडिट कार्ड्स की। सबसे पहला कार्ड है IDFC फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड डाइनिंग और शॉपिंग के लिए बेस्ट सूटेड है। IDFC फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड के साथ आपको मिलेगा 4x रिवॉर्ड पॉइंट्स हर 150 रुपये के खर्चे पर, और हर रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 0.25 पैसा। और अगर आप सिक्योर्ड IDFC फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड ऑप्ट करते हैं, तो आपको अपने फिक्स डिपॉजिट का 100% क्रेडिट लिमिट मिलेगा और इसका मिनिमम FD अमाउंट है 5,000 रुपये। इसके अलावा आपको 1500 प्लस रेस्टोरेंट्स पर 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये कार्ड वीजा इनफाइनाइट नेटवर्क पर अवेलेबल है और इसके साथ आपको कई एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। नेक्स्ट कार्ड जिसकी हम बात करेंगे वो है वन कार्ड। ये कार्ड मेटल फॉर्म में आता है, जो इसे दिखने में और भी अट्रैक्टिव बनाता है। इस कार्ड पर आपको हर 50 रुपये के खर्चे पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और आपको महीने के टॉप 2 स्पेंड कैटेगरी पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे अगर इस महीने की टॉप 2 कैटेगरीज ट्रैवल और ग्रोसरी हैं, तो आपको ट्रैवल और ग्रोसरी स्पेंड्स पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक के लिए रिडीम किया जा सकता है, जहाँ 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 0.10 रुपीज के बराबर है, यानी कि 10 पैसा। और इस कार्ड को आप 5,000 रुपए के मिनिमम फिक्स डिपॉजिट के साथ ले सकते हैं, जिसपे आपको 100% क्रेडिट लिमिट मिलती है। नेक्स्ट कार्ड वैसे तो एक पेड कार्ड है, AU बैंक नोमो क्रेडिट कार्ड, बट आपको कई बार ये लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाता है। ये कार्ड सिर्फ 199 रुपए प्लस GST के मिनिमल ज्वाइनिंग फी के साथ आता है, लेकिन ये एक वन टाइम फी है और आपको रिन्यूअल फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर हम इसके वेलकम बेनिफिट्स की बात करें, तो कार्ड लेते ही आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी वैल्यू 125 रुपये के बराबर है, और ये इफेक्टिवली आपके कार्ड ज्वाइनिंग फीस को कम कर देता है। लेकिन ये बेनिफिट पाने के लिए आपको कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर एक पेमेंट करना जरूरी है। इस कार्ड का सिक्योर्ड वर्जन पाने के लिए आपको मिनिमम 20,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट करनी पड़ेगी और इसके अगेंस्ट आपको 100% क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। अगर हम इस कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर देखें, तो रिटेल पर आपको हर 100 रुपये के खर्चे पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और हर 100 रुपये की यूटिलिटी एंड इंश्योरेंस स्पेंस पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, जहां 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 रुपीज के बराबर होती है। इसके अलावा ये कार्ड मिनिमल 0.99% का फॉरेक्स रेट भी ऑफर करता है, जो कि स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड के फॉरेक्स चार्ज से काफ़ी कम है। अगर आप AU नोमो क्रेडिट कार्ड से पिछले क्वार्टर में 30,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो
आपको अगले क्वार्टर में 2 फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं, और अगर आप इंडियन रेलवेज से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपको हर क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज विजिट्स भी मिलती हैं। इसके साथ ही इस कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट भी हैं, जिसमें अगर आप एक क्वार्टर में 25,000 रुपये का खर्चा करते हैं या उससे ज़्यादा का खर्चा करते हैं तो आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप एक क्वार्टर में 50,000 रुपये से ज़्यादा का स्पेंड करते हैं तो आपको एडिशनल 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स की। पहला कार्ड है अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। वेल, ये एक ऑल टाइम बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, ऐसे लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है खर्चा करते टाइम और जिन्हें बस एक कार्ड ही चाहिए। फ्यूल को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी खर्चे जिन पे मोस्ट कैशबैक कार्ड्स पर आपको कैशबैक नहीं मिलता, जैसे कि रेंट पेमेंट, यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट पेमेंट्स एक्सेट्रा पर भी कैशबैक मिलता है। और क्योंकि अमेजोन का कार्ड है तो अमेजोन के स्पेंस पर भी अप टू 5% कैशबैक मिलता है, एंड इस कार्ड पर कैशबैक अर्न करने का कोई भी अपर लिमिट नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि इस कार्ड में बहुत ही रेयरली आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ चेंजेस किए हैं। इस कार्ड के साथ अगर आप अमेजोन प्राइम मेंबर हैं तो हर परचेज पर आपको मिलेंगे 5% कैशबैक, और अगर आप नॉन प्राइम मेंबर हैं तो आपको 3% कैशबैक मिलेगा। पार्टनर ब्रांड्स पर आपको मिलेंगे 2% कैशबैक, और बाकी सभी पेमेंट्स पर आपको मिलेगा 1% कैशबैक एक्सेप्ट फ्यूल परचेजेस। इसके अलावा पार्टनर रेस्टोरेंट्स पर डाइनिंग बिल्स पर मिनिमम 15% डिस्काउंट भी मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है AU बैंक का लिट क्रेडिट कार्ड। ये कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड के साथ आपको रिटेल परचेजेस पर 100 रुपए के खर्चे करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, और आप अपने पसंद के फीचर के अगेंस्ट आप 10x या 5x एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अपने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्पेंड्स पर कमा सकते हैं। और तो और आपको प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि Z5, Amazon Prime और कल्टफिट की 3 महीने की मेंबरशिप भी मिलती है फ्री। इस कार्ड के साथ आपको हर क्वार्टर में 2 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है। आप इस सर्विस को मिनिमल चार्ज पर ले सकते हैं। अगर आप एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट लेते हैं तो आपको 199 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर 2 विजिट्स लेते हैं तो आपको 299 रुपये देने पड़ेंगे, जिसकी वैलिडिटी 90 दिन की है। चलिए लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स के बाद अब बात करते हैं पेड क्रेडिट कार्ड्स की। सबसे पहला है फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 500 रुपये प्लस GST, और ज्वाइनिंग फी देने के बाद आपको 500 रुपये का वैल्यू 500 रुपये की वैल्यू का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिल जाता है, जो कि इसको एक्चुअली एक तरीके से फ्री क्रेडिट कार्ड बना देता है। और इसके अलावा स्विगी पर पहला ऑर्डर प्लेस करने पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग 100 रुपये है। लेकिन ध्यान रहे कि आपका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 129 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। इस कार्ड का बेस कैशबैक रेट है 1%। इस कार्ड के साथ आपको फ्लिपकार्ट पर हर स्पेंड पर 5% कैशबैक मिलता है, और अगर आप स्विगी, ऊबर, PVR या कल्टफिट पर कुछ खर्चा करते हैं तो आपको 4% कैशबैक मिलेगा, और बाकी सभी स्पेंड्स पर आपको 1% कैशबैक मिलता है। इसके अलावा पार्टनर रेस्टोरेंट्स पर आपको अप टू 15% तक ऑफ मिलता है, जिस पर मैक्सिमम आप 500 रुपये तक का बेनिफिट ले सकते हैं, और साथ ही आपको हर क्वार्टर में एक फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलता है, अगर आप अपने पिछले 3 महीने में 50,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा करते हैं तो। एक्सिस बैंक इस कार्ड का सिक्योर्ड वर्जन भी ऑफर करता है, जो आपके FD के अगेंस्ट इशू किया जाता है। HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 500 रुपये प्लस GST, और इस कार्ड पर आपको हायर रिवॉर्ड रेट मिलता है, जिसमें आप 150 रुपये के स्पेंड पर 20 कैश पॉइंट्स तक कमा सकते हैं, और एक कैश पॉइंट की वैल्यू 0.25 के इक्वल होती है। ये कैश पॉइंट्स आप अपने कार्ड के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अगेंस्ट प्रोडक्ट कैटलॉग, एयर माइल्स और भी कई ऑप्शंस के लिए रिडीम कर सकते हैं। कैशबैक के अलावा अगर आप 1 साल में 2,00,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 2,000 रुपये तक के गिफ्ट वाउचर्स भी मिलते हैं। इस कार्ड के साथ आपको डाइनिंग बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें आप 2,000 से ज़्यादा प्रीमियम रेस्टोरेंट्स पर 15% तक का डिस्काउंट इन्जॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज SBI सिंपली सेव UPI रुपे क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 499 रुपये प्लस GST, और इसके साथ आपको 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का वेलकम बोनस भी मिलता है, जिससे टेक्निकली ये कार्ड आपके लिए फ्री हो जाता है।
इस कार्ड पर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 150 रुपए के खर्चे पर, जैसे कि डाइनिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मूवीज और ग्रोसरी पर। और बाकी सभी परचेजेस पर आपको हर 150 रुपए के खर्चे पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 0.25 रुपीज के बराबर होती है। ये आपको रुपए नेटवर्क पर अवेलेबल है, इसका मतलब आप इस कार्ड को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे पॉपुलर यूपीआई एप्स से लिंक कर सकते हैं और यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप पिछले साल में 1 लाख रुपए का खर्चा या उससे ज्यादा का खर्चा करते हैं तो इस कार्ड की एनुअल फी वेव ऑफ हो जाती है। हम SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी सजेस्ट करेंगे आप सभी को, क्योंकि उस कार्ड पर आपको सभी ऑनलाइन स्पेंस पर 5% का कैशबैक मिलता है विद एन अपर कैप ऑफ 5,000 रुपीज पर कैलेंडर मंथ। हम इस कार्ड के बारे में इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज SBI इतना ईजिली इस कार्ड को इशू नहीं करता है, और अगर करता भी है तो ज़्यादा लिमिट भी नहीं देता है। खैर, अब वैसे तो IDFC वाओ क्रेडिट कार्ड की बात हमने कर ही ली है, बट हम IDFC के एक और कार्ड की बात करना चाहेंगे जो कि है IDFC फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फीस है 499 रुपये प्लस GST। इस कार्ड के साथ आपको IDFC ऐप के थ्रू UPI स्पेंस पर 1% कैशबैक मिलता है और बाकी सभी स्पेंस पर इंक्लूडिंग यूटिलिटीज, वॉलेट्स और इंश्योरेंस पर 0.5% कैशबैक मिलता है। IDFC वाओ क्रेडिट कार्ड की तरह ये कार्ड आप सिर्फ 5,000 रुपये की मिनिमम फिक्स डिपॉजिट के साथ ले सकते हैं। साथ ही आपको पेटीएम मूवीज पर 25% तक 100 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, और ये कार्ड आपको लॉस्ट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको लगता है कि हमने कोई कार्ड मिस किया है और वो कार्ड इस लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें। ये थे हमारे हिसाब से कुछ क्रेडिट कार्ड्स जो बिगनर्स और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं। आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी कार्ड ले सकते हैं, और कोई भी कार्ड सिलेक्ट करने के बाद उसका इन डेप्थ रिव्यू करना ना भूलें, ताकि उनके उन कार्ड्स के हिडन चार्जेस और कैपिंग का आपको पता चल सके। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।